हेलो बच्चों, अध्यापक शिक्षा के बारे में तो हमने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा ही है। अब हम अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे ये दृष्टिकोण है डेंग एवं ल्यूक के दृष्टिकोण से संबंधित। तो डेंग एवं ल्यूक ने क्या कहा अध्यापक शिक्षा के विषय में, उसकी रूपरेखा उनके पाठ्यक्रम के आधार पर क्या निर्णय लिया गया अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में आज जानेंगे। तो मैं गार्गी गुप्ता, जीजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अध्यापक शिक्षा जो है वो तीन मेन पहलुओं से मिलकर बनी है। जो हम नॉर्मली जानते हैं कि इसमें तीन चीज़ें जो होती हैं वो जुड़ी हुई हैं। पहला क्या होता है, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को तो हम जानते ही हैं, सब आप जानते ही होंगे कि अध्यापक शिक्षा में हम इन तीनों विषयों की बात करते हैं। सबसे पहले होता है शिक्षक, जो शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम से जुड़ा होता है, या इसको हम घुमाकर देख लें तो जो पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षक के लिए भी होता है और शिक्षार्थी के लिए भी होता है। और शिक्षार्थी जो होता है वो शिक्षक के बताए हुए आदेशों को या निर्देशों को पाठ्यक्रम के माध्यम से फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई मानी जाती हैं अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अब डेंग और ल्यूक का क्या दृष्टिकोण है इस विषय में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, डेंग और ल्यूक का ये मानना था कि पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के ज्ञान इसी चीज को कहा गया पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के ज्ञान के बिना अध्यापक या शिक्षक की कोई भी भूमिका नहीं है। यानी शिक्षक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम के बिना कोई भूमिका नहीं निभा सकता। ठीक है भाई, शिक्षक पढ़ाएगा तो वही जो पाठ्यक्रम में दिया गया होगा, किस क्लास का, किस कक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, उसको किस तरीके से पढ़ाना है या क्या क्या उसके अंतर्गत पढ़ाना है, शिक्षक को जब तक वो चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, उस चीज़ को नहीं समझेगा, उस विषय वस्तु के बारे में उसको जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, तो शिक्षक जो है वो पाठ्यक्रम के बिना अधूरा है। ठीक है, डेंग का ये मानना था। तो इनका दृष्टिकोण सबसे पहले तो ये है, डेंग और ल्यूक के जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात उन्होंने कही है प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में उन्होंने प्रासंगिकता को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है। यानी प्रासंगिकता जो है वो उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में लिया है, क्योंकि पाठ्यक्रम का अध्ययन करते समय यदि प्रासंगिकता ना हो, प्रासंगिकता से मतलब ये है कि जिस विषय में बात करनी है उससे रिलेटेड बात ना हो तो वो बेकार है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो प्रासंगिक हो। जैसे कि जिन बच्चों के लिए उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है वो बच्चे उस पाठ्यक्रम को समझ पाए। ठीक है, उनमें उस समझ को विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है शैक्षणिक उपक्रम के निर्माण की भूमिका। शैक्षणिक उपक्रम क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज़, जो भी पाठ्यक्रम में हम उपक्रम क्रम से चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, उसकी भूमिका का निर्माण करने में पाठ्यक्रम जो है हमारी मदद करने वाला होना चाहिए। अध्यापन क्रियाशीलता का विकास, अध्यापन कार्य किस प्रकार से क्रियाशील होना है या अध्यापन कार्य को किस प्रकार हम सुचारू रूप से चला सकते हैं, इस चीज़ का विकास करने वाला पाठ्यक्रम देखना है, ये रूपरेखा उन्होंने बताई है। समझ और ज्ञान में वृद्धि, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों की समझ और उनके ज्ञान में वृद्धि हो, साथ साथ शिक्षक की समझ और ज्ञान में भी वृद्धि हो, इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया अंतरानुशासन पर बल। अंतरानुशासन पर बल का मतलब ये है कि जो
छात्र का अपना अंदर का अनुशासन है, ठीक है, उससे रिलेटेड चैप्टर्स में बात की गई हो, या बच्चे को ऐसी चीज़ों को या ऐसे तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए जिससे कि उसको अंतरानुशासन की जो है महत्व के बारे में पता चले और उस पर बल दिया जाए, ठीक है। सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं की स्वीकार्यता, पाठ्यक्रम में समाज में जितने भी प्रचलित रीति रिवाज हैं और जो भी परंपराएं चल रही हैं उनसे रिलेटेड अध्यायों को भी रखना चाहिए या उनसे रिलेटेड ज्ञान का भी समावेश उन्होंने बताया है, ठीक है। बच्चों को उसकी भी नॉलेज प्राप्त हो ऐसा ज्ञान उसमें रखना चाहिए, उन्होंने ये बताया है, ठीक है। तो यहाँ तो इसकी रूपरेखा कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की, डेंग का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के संबंध में डेंग ने पहले कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा जो है वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है। यानी सांस्कृतिक और सामाजिक रूपरेखा यानी समाज से जुड़ा हुआ और संस्कृति से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम हमें रखना है जिससे कि बच्चों को उन सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने सेकेंड बात ये कही कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व देना है या उसका उसमें योगदान देने की कोशिश की, और चीनी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में रखने की बात क्यों कही, जिससे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जुड़ने में आसानी या सरलता महसूस करे, ठीक है। कम्युनिकेशन या संचार जो है वो अच्छे से हो पाए और दूसरों की बातें या दूसरों के ग्रंथों को या दूसरों की जो नॉलेज है उसको अपने पास तक समावेशित कर पाए या सीख पाए, ठीक है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम सिद्धांत का विशेष कार्य क्षेत्र, ठीक है, यानी विषय वस्तु और सिद्धांतों से जुड़े हुए पाठ्यक्रम को उन्होंने विशेषता दी या महत्व दिया और उसका कार्य क्षेत्र उन्होंने लागू किया, यानी उस कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्माण किया। बहुआयामी स्वरूप, पाठ्यक्रमों में उन्होंने बहुआयामी स्वरूप जो है यानी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश की। उनके अनुसार पाठ्यक्रम किसी भी परिस्थिति या किसी भी समस्या के लिए जो है वो अवेलेबल हो पाए, यानी उसमें हर विषय का समावेश होना चाहिए, ठीक है। सुदृढ़ पाठ्यक्रम पर बल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जो है वो दृढ़ होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए पूरी तरह से, जिससे कि जो बच्चे उससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो कहीं उन्हें मतलब उन्हें समाज में किसी योग्य बना सके, ठीक है, उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता प्रदान कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर डेंग और ल्यूक द्वारा दिया गया पाठ्यक्रम जो था उसके बारे में आज हमने बात की है। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम नेक्स्ट विषय पर चर्चा करेंगे। अभी शुलमैन का पाठ्यक्रम जो है, अच्छा मैं एक बात और कि ये जो डेंग का पाठ्यक्रम है ये शुलमैन के पाठ्यक्रम से प्रभावित माना जाता है, ठीक है। तो हम अब शुलमैन के पाठ्यक्रम की भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।